नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामलाल बरवर, बरवर कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। खैर मकतब आवाज अर्थ, मैं एक नए तथ्य के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तथ्य वही अपना जो चल रहा है टॉपिक, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ रहे थे। उसे आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा और मेरा भी थोड़ा बहुत हौसला बुलंद रहेगा। समय की नजाकत देखते हुए मैं मेरे विषय को शुरू करता हूं। आप जरूर थोड़ा ध्यान से उनको देखिए और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे इस ग्रंथ के बारे में, तो 1929 में लिखा गया और आगे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इस ग्रंथ की रचना शुक्ल जी ने एक इतिहासकार की तरह करते हुए एक समालोचक दृष्टि से की। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, इस ग्रंथ की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक इतिहासकार की तरह करते हुए एक समालोचक दृष्टि से इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ की रचना में शुक्ल जी केदारनाथ पाठक का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जो ऊपर ग्रंथ आया है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में आचार्य शुक्ल जी केदारनाथ पाठक का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। इस ग्रंथ के बारे में केदारनाथ पाठक के बारे में शुक्ल जी विशेष आभार व्यक्त करते हैं। वे धन्यवाद को आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। यह कथन शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक के संबंध में कहा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मोस्ट करके याद रखिए। ये शुक्ल का कथन है, आचार्य शुक्ल का कथन है, केदारनाथ पाठक के बारे में कहा है क्योंकि वे उनको सब कुछ मानते थे। ये जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ के बारे में धन्यवाद भी केदारनाथ पाठक को देते हैं और केदारनाथ पाठक के बारे में इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, वे धन्यवाद को आजकल की तरह बदमाशी समझते हैं। ये कथन शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक के संबंध में कहा है। परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। अपने ग्रंथ में आचार्य शुक्ल दासजी शब्द को प्रयोग भिखारी दास के संबंध में लेते हैं। ये दासजी शब्द आया है, ये दासजी शब्द जो इनके ग्रंथ में आता है हिंदी साहित्य के इतिहास, दासजी शब्द है वो भिखारी दास के संबंध में लेते हैं। भिखारी दास पूरा नाम ना लेकर दासजी जो शब्द लिखते हैं वो भिखारी दास के संबंध में लिखते हैं। इस पुस्तक की भाषा को, ये एक पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अभट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुस्तक है कीर्ति लता के संबंध में कहा है, कीर्ति लता के रचनाकार विद्यापति है। विद्यापति का ग्रंथ कीर्ति लता, उसके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद का ग्रंथ भी इन्होंने दिया है। हजारी प्रसाद ने इनके बारे में अपना मंतव्य दिया है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवघट कहा था, इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए थे। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पुस्तक है कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति लता के रचनाकार है विद्यापति। मित्रों आगे चालू रखते हुए, देसिल बैना सब जन मिठा ते ते समुद्रम अपठा, यह कीर्ति लता की एक पंक्ति है जो कई बार परीक्षाओं में आती है। कई बार टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्राध्यापक, कई बार परीक्षाओं में यह सवाल हू हू आता है, देसिल बैना सब जन मिठा
ते तेषम जपम अवहट्टा यह कीर्ति लता की पंक्ति है। कीर्ति लता की रचनाकार विद्यापति जी है। विद्यापति ने कीर्ति लता कीर्ति पताका पदावली आदि रचना की थी। विद्यापति को मैथिली मैथिल का कोकिल भी कहा जाता है कि मैथिल भाषा में वो लिखते हैं। अपभ्रंश में लिखा, अवहट में भी लिखा, इसलिए यह पंक्ति इंपोर्टेंट लगी। यह मैंने हिंदी साहित्य इतिहास शुक्ल जी का 1929 में से इस पंक्ति को उठाया है। तेसिल मैना सबजन मिठा ते तेसम जपो अवहट्टा की लता के संबंध में नॉट अवहट को देसिल अवहट को देसिल बैना कहा है। किसने कहा है? विद्यापति जी ने कहा है। अवहट भाषा को देसिल बैना किसने कहा है? विद्यापति ने कहा है, क्योंकि यह विद्यापति की ही रचना है। कीर्ति लता कीर्ति पता का पदावली, ठीक है ना, ये इनके विद्यापति की रचना है और विद्यापति ने ही इनके बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य ग्रंथ, एक ग्रंथ तो यह हो गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ 1929। इनके अलावा इन्होंने और ग्रंथ लिखे हैं, उनके बारे में देखिए। रस मीमांसा ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है आचार्य शुक्ल का। रस मीमांसा आलोचनात्मक ग्रंथ है आचार्य शुक्ल का। भगवत गीत सार का संपादन। तीसरा है चिंतामणि निबंध संग्रह भाग चार। चिंतामणि निबंध संग्रह भाग चार। जायसी तुलसी सूरदास पर निबंध त्रिवेणी नाम से इन्होंने लिखे हैं, जो अपना आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिवेणी त्रिवेणी नाम से इन्होंने निबंध लिखे हैं। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास। सूरदास जो वास्तविक कवि मलिक मोहम्मद जायसी गोस्वामी तुलसीदास सूरदास पर इन्होंने निबंध लिखे, उनको नाम दिया है त्रिवेणी नाम से इन्होंने निबंध लिखे हैं। तीनों के बारे में त्रिवेणी नाम से इन्होंने निबंध लिखे हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शब्द को आप याद रखें। पद्मावत के खंडों 57 खंड है पद्मावत के। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत द्वारा रचित पद्मावत है, उनके 57 खंडों का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यह भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी याद रखें। मलिक मोहम्मद जायसी इनका जो ग्रंथ है पद्मावत, उनके खंड 57, 57 खंडों का नामकरण हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। पद्मावती पद्मावती राजकुमारी और रतन सेन की एक प्रेम कहानी, और फिर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध होना और जौहर होना, और इसमें ऋतु वर्णन बारहमासा वर्णन आदि इसमें हुए हैं। पूरे 57 खंडों का नामकरण है वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे भंडार भरे हैं, बहुत सारे हमें देखे गए हैं, उन्हें वो हमेशा के लिए आज भी जिंदा है ऐसा हमें प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने क्या नहीं किया, हिंदी साहित्य के भंडार में उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया है मेरे दोस्तों। कभी मौका मिले तो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 को पढ़िए, उनको पढ़िए, नगेंद्र को पढ़िए, आपको हकीकत पता चलेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भंडार में कितना योगदान दिया है। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। कल नए एक वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।